कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद के चलते 2 दिनों के बंद की योजना बनाई गई है। हालांकि बेंगलुरु में विरोध करने वाले 2 समूहों में भी विवाद के चलते मंगलवार और शुक्रवार को बंद का आह्वान किया गया है। इसमें से टैक्सी ड्राइवर्स और होटल मालिकों सहित कई एसोसिएशंस ने बंद का समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। कर्नाटक में एसोसिएट मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक बेंगलुरु के सभी निजी स्कूलों ने मंगलवार को बंद रहने का फैसला किया है। बेंगलुरु के शहरी डिप्टी कमिश्नर दयानंद के ने भी बेंगलुरु बंद की आशंका में शहर भर के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं 3 दिन पहले बंद की घोषणा करने वाले कर्नाटक जल संरक्षण समिति के अध्यक्ष कुरुबूर शांता कुमार ने कहा वो बंद जारी रखेंगे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हम बंद को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये उनका अधिकार है, जबकि उन्होंने बीजेपी और जेडीएस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा हमने विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए कई संगठनों को बुलाया है और तैयारी चल रही है। हमने वटल नागराज को भी इन योजनाओं के बारे में सूचित किया है। हमने सोमवार को एक बैठक भी की थी, लेकिन उन्होंने हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम इसे लोगों के लिए कर रहे हैं। हम मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कावेरी जल नियामक समिति की बैठक है। हम चाहते हैं कि हमारा विरोध उन लोगों तक पहुंचे जो सत्ता में है, इसलिए हम विरोध स्थगित नहीं करेंगे। इस बीच वटल नागराज के नेतृत्व में कन्नड़ समर्थक समूह कन्नड़ चालू वाली शुक्रवार को राज्यव्यापी बंद के अपने आह्वान पर अडिग दिखा। नागराज ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा हर कोई बंद का समर्थन करेगा, हम राजभवन के सामने धरना देंगे, हम राष्ट्रीय राजमार्गों और हवाई अड्डों को अवरुद्ध करेंगे, बसें टैक्सियां और ऑटो बंद का समर्थन करेंगे। वटल नागराज ने 26 सितंबर को होने वाले बंद के समर्थन को वापस ले लिया है। नागराज ने संवाददाताओं से कहा 29 सितंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहेंगे और हम हवाई अड्डे को भी बंद करने का प्रयास करेंगे। मैं दोहराता हूं कि यहां मौजूद सभी कन्नड़ समर्थक संगठन मंगलवार को बंद का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन 29 सितंबर को राज्यव्यापी बंद होगा। इससे पहले मंगलवार को देश के आईटी हब बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया था। इस बंद को शहर के कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन शुक्रवार को राज्य बंद का ऐलान किया गया तो तमाम एसोसिएशंस मंगलवार को बेंगलुरु बंद से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।